से बताने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। हर परीक्षाओं में कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसके अनुसार एक क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे रेलवे का परीक्षा हो, चाहे पुलिस का परीक्षा हो, चाहे आरपीएफ का परीक्षा हो। हर परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन निश्चित आता है और 100% आता है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हल करने के लिए यह जरूरी है कि वह कोडिंग डिकोडिंग अच्छा से पढ़ें, और अच्छा से आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े रहेंगे तो समझ लीजिए कि किसी भी परीक्षा में आप 6, 7 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत सरलता से कर सकते हैं और आपको आसानी से नंबर भी मिल सकता है। कुछ ज़्यादा इसमें न कठिन है न तामझाम है, एकदम बिल्कुल बढ़िया से आप 8 नंबर कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपका 5 मिनट समय जाएगा। और आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके दाहिने साइड देखेंगे तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को बजा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तभी हमारा सभी न्यू नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास जाता रहेगा और आप इस प्रकार से कोई भी हमारे हर वीडियो को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में 50% सवाल हल कर सकते हैं, और 50% अपने से मेहनत करेंगे तो आपका पूरा किसी भी नौकरी करने के लायक हो सकते हैं। तो हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण इसमें क्या होता है कि जो ए से जेड तक की संख्याएं होती है वो संख्याओं को हमें इस प्रकार से पूछा जाता है रीजनिंग के टाइप में। जैसे ए से जेड तक हमको कोई भी संख्या है, एक ए से जेड तक तो हर संख्याओं के ए से जेड तक क्यों किस नंबर पे है, कितने उनका अंक नंबर का है, सभी हमको परफेक्टली याद रहेगा, तभी हम डिकोडिंग और कोडिंग का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे जैसे ए हो गया A1, B2, C3, D4, E5, F6, आप इसको ले लीजिए,
इसको ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, इसको याद रखेंगे तो और आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इसको ई लिख लीजिए, एक तो आप ई लिख लीजिए, ई जोड़ दी, ई बोले तो ई आपका 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे, जे जो है 10 नंबर पे है, ओ जो है आपका 15 नंबर पे है और टी जो है, ये जो टी है वो 20 नंबर पे है और ये वाई जो है वो 25 नंबर पे है, 25 नंबर पे। जब आप इतना याद कर लेंगे ई, तो किसी का भी हमको पूछना है तो आप आसानी से बता सकते हैं ई जो टी के माध्यम से। और इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे याद कर लिए। अब इसको पुनः उल्टा भी आप बोलिए, उल्टा भी याद रहेगा तो आपको बहुत बेटर रहेगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल ए जे आई एच जी एफ ई बी सी डी ए, इस तरह से आप दोनों प्रकार से याद कर लेंगे, आपको पूरा याद रहेगा। और जैसे हमको कोई सवाल आ गया परीक्षा में कि पी का स्थान बताइए, पी कितने नंबर पे है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में पी कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है, पर है। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसको, आपको इजोटी याद रहेगा तो ओ के बाद पी आता है, पी कितने नंबर पर है, इजोटी जो आपको वो ऑलरेडी याद है 15 नंबर पे है, तो ओ पी पी बराबर कितना आ गया 16, ये 16 नंबर पे आ गया। अभी ये आसान, अभी आप आसान सवाल समझिए, इसके बाद हम कठिन सवाल मतलब बताएंगे। एक न्यूट्रल एकदम सिस्टम से आपको समझा रहे हैं, आप पूरा हमारा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आपको पूरा अच्छा से, किसी कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओनली हमारा वीडियो देखेंगे सारा हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी सवाल मतलब पूछे जाते हैं, हाँ तो देखिए ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये बाएं है, देखिए ए से आप पढ़ते जाते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते जाते हैं,
ये बात हमेशा आप याद रखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ये हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं, और जब हम उल्टा पढ़ते हैं तो दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हैं, ये हमेशा आप याद रखिए। तो बाएं से दाएं, तो ये पूछ रहा है आपके बाएं से सप्तमा अक्षर कौन है, तो आपको ये योटी याद है ऑलरेडी, वो आपको याद है कि वो जो है पंद्रहवा अक्षर है, तो ओ के बाद वो पंद्रह, ये तो याद है आपको, ये आपको याद है ओ पंद्रह। हाँ तो देखिए ये जो है आपके बाएं से सत्रहवा अक्षर कौन है, तो आपको चूंकि याद है ओ जो है पंद्रह है, पंद्रह तो इसके बाएं जो है ये याद है आपको, तो ओ से क्या करेंगे, ओ चूंकि पंद्रह है तो सत्रहवा अक्षर, तो पंद्रह दो सत्रह पी क्यू, तो सत्रहवा अक्षर आपका ये हो जाएगा क्यू, क्यू सत्रह। देखिए इस प्रकार से हम कितना आसानी से ये आपको आ जा रहा है क्यू बराबर सत्रह, इसी प्रकार से जब हमको ये पूरा याद रहेगा तो हम फटाफट सवाल को हल करेंगे। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं, चलिए अब आपको बता रहे हैं, अब बताइए आपके बाएं से, आपके बाएं से नौवां अक्षर क्या है, तो आप चूंकि यह चार को याद है, आपके बाएं से नौवां अक्षर बताना है, तो यह चार को याद है, यह कितना है, सॉरी आई का बताना है, आपके बाएं से नौवां अक्षर कौन है उसको लिख लीजिए पहले, आपके बाएं से नौवां अक्षर, आपके बाएं से नौवां अक्षर, चूंकि आपको दसवां अक्षर मालूम है इजोटी से, दसवां अक्षर आपका है जे, ये आपको ये मालूम है कि जे दसवां अक्षर है, तो नौवां अक्षर तो इससे पहले जे आई, ये आई बराबर हो गया नौवां अक्षर। इस तरह से आप कोई भी अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पूछ दे कि आप बाईसवां अक्षर बता दीजिए, तो बाईसवां अक्षर क्या है, तो आपको जैसे हम बताए थे इजोटी, इजोटी आपको हम बताए थे इजोटी छ दस पंद्रह बीस पच्चीस, ऑलरेडी ये आपको याद है, तो आपको बाईसवा अक्षर बताना है, तो ये बीस में दो जोड़ दीजिए, तो बीसवा क्या हमारा टी हो गया, दो जोड़ दीजिए तो बाईस हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि टी बराबर ट्वेंटी होता है, तो दो इसमें जोड़ा गया है तो इसमें भी जोड़ दीजिए, तो यू बी ये आ गया बी बराबर ट्वेंटी टू, बहुत आसानी से, कितना एक सेकेंड भी नहीं लगेगा और आपको आ जाएगा, इसी तरह से आपका कंपटीशन में भी आएगा, फटाफट लगाइएगा। ओके तो अभी आपको बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सवाल, अभी इस वीडियो का लास्ट सवाल, देखिए हम आपको एक सवाल लाए हैं, अब सिस्टम से चलिए और बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा भी वीडियो स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भी वीडियो आप स्किप नहीं करिए। हैंड को ओबे ईबो लिखा जाता है, हैंड को आई बी ओ ई लिखा जाता है, तो ये इसको क्या लिखा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा,
देखिए अगर हैंड को आई बी ओ लिखा जाता है किसी भाषा में सेम सेम सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो आपको अगर ये कोडिंग के हिसाब से मालूम है जो एच है और आई है तो देखिए एच के जस्ट बाद आई आता है कंफर्म, ए के जस्ट बाद बी आता है, एन के जस्ट बाद जो है ओ आता है एनओ, और डी के जस्ट बाद ई आता है, ये समझ आया? इसी प्रकार से हमको सिल्क को लिखना है इसी भाषा में सेम सेम, तो यस के बाद क्या आएगा? टी आएगा, यस टी, आई के बाद जे आएगा और एल के बाद के आएगा और के बाद क्या आता है? के बाद आपका इसमें देखिए के बाद एल आएगा, ठीक। जिस भाषा में ये लिखा है उसी भाषा में सेम सेम ये लिख गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको हम बताते रहेंगे, ये वीडियो बड़ा हो गया इसलिए हम अगला अध्याय जो है दूसरे वीडियो में बता रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपके दाहिने साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दबाइए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, तभी हमारा दूसरा वीडियो आपके पास जाएगा और क्रम वाइज पढ़ेंगे आपको सारा समझ में आएगा। नो कोचिंग, कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है।